नमस्कार दोस्तों, मैं दोस्तों भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस और मैं सीएमए आपके सामने आज अपनी होश में लेक्चर नंबर 37 बेटे थ्योरी का कमेंट चल रहे हैं इस समय, मतलब मैं 36 कमेंट्स बता चुका हूं, आज 37 बताना है, टोटल 50 बताऊंगा और 50 शॉर्ट नोट और डिफरेंस मिलाकर प्रैक्टिस मैनुअल से स्टडी से, मतलब आपको टोटल 100 करने हैं। पहले मैं कहता था 150, लेकिन वो बहुत सारे रिपीट हो रहे थे, तो आपको 100 कंसेप्ट करने और 100 डायग्राम्स करने, यकीन मानिए आपके 80+ आ सकते हैं, ऐसा आपको खुद मन में एहसास होगा, आप कर सकते हैं बेटे। पहले आपका मानना बहुत जरूरी है, मैं चाहे जो मर्जी बोलूं, अगर आप खुद मन में सोच रहे हैं कि आपके कभी 50 से ज्यादा नहीं आए प्रैक्टिकल में, तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आपके आने के लिए आपका मानना सबसे सर्वोत्तम है, इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, मैं आज आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो पता नहीं कितनी बार आ गया और आता ही रहता है, कंसेप्ट 37 प्रॉफिटेबिलिटी मे नॉट एश्योर लिक्विडिटी। क्या बढ़िया सी बात कह गया हमारा ये प्रैक्टिस मैनुअल। आइए दोस्तों, स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल भरी पड़ी है बेटे इस क्वेश्चन से, 50 बार आ चुका होगा, मैंने इसको अपनी डायग्राम वाली बुक में भी लिखा हुआ है। प्लीज आप सभी अपनी डायग्राम की बुक खोल ले, रजिस्टर खोल ले, 15 मिनट बस मेरे को ध्यान से सुने, कुछ ना करें, खाली मुझे सुने बेटे, यकीन से कह रहा हूं आपकी नॉलेज में इंक्रीज होगा, आपको पता चलेगा कि क्या लिखना था और आप क्या सोच रहे थे लिखना। प्लीज बेटे आइए एक बार कमेंट वाले पेज में देख लें, अभी भगवान को याद करेंगे। ये बेटे मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें ये देखिए बेटे 37 मैंने लिखा दिसंबर 2014, लेकिन बेटे इस क्वेश्चन को भी मैंने चेंज किया, मैंने बताया था ना 2-3 क्वेश्चंस को मैंने चेंज किया, क्योंकि रिपीट क्वेश्चंस कराने का क्या फायदा, तो मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चंस अपनी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराए जो प्रैक्टिस मैनुअल में है। तो बेटे आप प्लीज प्रॉफिटेबिलिटी मे नॉट एश्योर लिक्विडिटी के ऊपर कमेंट लिखना है, एक स्टेटमेंट आएगी प्रॉफिटेबिलिटी मे नॉट एश्योर लिक्विडिटी। हम सभी बेटे एक बार पेज नंबर 18 डायग्राम वाली बुक बेटे, ये डायग्राम की बुक बेटे, ये डायग्राम की बेटे 101 बेटे 101 बेटे 101 डायग्राम, ये देखो है कोई माइका लाल इस दुनिया में जो डायग्राम तक प्रिंट करा के दे दे, कमेंट के लेक्चर्स रिकॉर्ड करे, डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड करे, प्रैक्टिस मैनुअल कवर कर दे। बेटे बातें सब करते हैं, करते कुछ ही हैं, जैसे सीएस के लिए सब शोर मचाते हैं, मैं कर सकता हूं, लेकिन बेटे करते आप जैसे विरले ही हैं। बेटे आप तो लेक्चर सुन रहे हैं, कितने तो ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे करेंगे लेकिन कर ना पाएंगे, और कितने ऐसे होंगे जो बेटे राक्षस योनि से आए हैं
उनको मेरे यूट्यूब वीडियो का 6 महीने के बाद पता चलेगा। तो आप भाग्यशाली हैं बेटे, आप सब देव योनि से आए हैं, आपको पता भी है और आप सुन भी रहे। मुझे उम्मीद है बेटे आपने डायग्राम की बुक खोल ली होगी, रजिस्टर ओपन कर लिया होगा और आपने स्टेटमेंट लिख ली होगी, प्रॉफिटेबिलिटी मे नॉट इंश्योर लिक्विडिटी। बेटे एक ऐसा की कंसर्न है प्रॉफिटेबिलिटी मे नॉट इंश्योर लिक्विडिटी कि मैं क्या बताऊं। 11th क्लास में थे आप तो आपको मैडम ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखा दिया था, फिर थोड़े से बड़े हुए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखा दिया। बेटे यहां भी प्रॉफिट निकालते थे, यहां भी प्रॉफिट निकालते थे। बेटे ये होता था ग्रॉस और ये होता था नेट। फिर और बड़े हुए तो बैलेंस शीट बनवाई और बैलेंस शीट में आपको बताया कि यहां पर जितने भी पैसे होते हैं ये कैपिटल इंप्लॉयड है, पूंजी, और इसके ऊपर आप कितना कमा रहे हैं। बेटे आरओआई सिखाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। बेटे आज आप इतने बड़े हो गए कि मैं आपको आज लिक्विडिटी की बातें भी करूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी की बातें भी करूंगा। बेटे आप एक चीज बताओ कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत कुछ है, लेकिन लेकिन आज डीमोनेटाइजेशन अगर हम देख लें तो कुछ लोगों के पास गाड़ी बंगला सब कुछ तो है लेकिन कैश नहीं है, उसके लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। कितने लोगों की तो डेथ हो गई, कितने लोगों ने सुसाइड कर ली क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी। बेटे पैसे होना या पैसे कमाना एक अलग बात है और कैश जेब में होना, लिक्विडिटी होना एक अलग बात है। कितने धनी होंगे आपने देखे होंगे, किसान, कितना कुछ लैंड पड़ा है लेकिन बेटे कैश नहीं है, कैश नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर किसी केस स्टडी को देखें, किंग फिशर एयरलाइंस, बेटे इनके पास एसेट्स हो सकते हैं, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, एरोप्लेन्स हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है लेकिन इनके पास लिक्विडिटी नहीं है। एसेट्स तो पड़े हैं बेटे, एसेट्स का क्या अचार डाल लें? जब आपके पास आज की रोटी खाने के पैसे नहीं है, लिक्विड फंड्स नहीं है, तो बेटे आपको उस प्रॉफिट का या उस वेल्थ का भी क्या करना है। मैं भूपेश आनंद आपके दिमाग में कुछ बातें डाल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि 12th क्लास से आप बेटे लिक्विडिटी की बातें करते आए हो। आप लिक्विडिटी रेशियो निकालते थे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, याद है मेरी मैडम ने भी मुझे बताया था। मैं बेटे बाल भारती पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, गंगाराम हॉस्पिटल है ना बेटे, उसके साथ ही है बाल भारती पब्लिक स्कूल। मेरी मैडम बड़ी गॉर्जियस लुकिंग थी, मैं ध्यान से देखता था। एक दिन अचानक मैडम ने मुझे कहा कि रेशियोस कैलकुलेट करके हम किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी निकाल सकते हैं। मैं हैरान हो गया, जैसे बेटे किसी के पेशेंट, किसी के ब्लड टेस्ट से मैं उसके ब्लड के अंदर की क्वालिटीज निकाल सकता हूं, वैसे ही करंट रेशियो से, क्विक रेशियो से, डेट इक्विटी रेशियो से मैं उस कंपनी की लिक्विडिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन क्वेश्चन यहां पे कुछ और है। क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन है प्रॉफिटेबिलिटी मे नॉट एश्योर लिक्विडिटी। बेटे क्वेश्चन तो ये है, प्रॉफिटेबिलिटी
मे नॉट एश्योर लिक्विडिटी, इसका मतलब प्रॉफिट होना अलग बात है। प्रॉफिट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लिक्विड फंड्स भी होंगे। आप अमीर खानदान से बिलोंग करते हो, आपके माता पिता बहुत अमीर हैं, आपके लिए उन्होंने अलग से स्टडी टेबल दिया, स्टडी रूम दिया, सारी फैसिलिटीज दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हो तो आप सीए सीए सीएमए कर लोगे। दोनों चीजें अलग है बेटे। प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने के अलग बेंचमार्क है। आज कोई बच्चा अगर सीएस के मेरिट में आ जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि लाइफ में भी वो सक्सेसफुल होगा। दोनों चीजें अलग अलग है बेटे। तो इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी, अलग अलग चीजें हैं। ये कह रहा है वो स्टेटमेंट, बताओ। बिल्कुल बेटे बताएंगे। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूं, यस यस प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी डज नॉट ऑल्सो एंश्योर लिक्विडिटी। पहली बात मैंने लिख दिया, यस प्रॉफिटेबिलिटी डज नॉट एंश्योर लिक्विडिटी। दोनों अलग अलग बातें बेटे। प्रॉफिटेबिलिटी तो आप बताइए, प्रॉफिटेबिलिटी को निकालने का मतलब क्या होता है बेटे? प्रॉफिटेबिलिटी होती क्या है? मैं कहता हूं जी, प्रॉफिटेबिलिटी से आप किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो बेटे। आप किसी भी कंपनी की, अपोलो टायर्स की, किंगफिशर की, नेरोलक पेंट्स की, फेविकोल की, ब्रिटानिया ब्रेड की, मारुति सुजुकी की, किसी कंपनी की भी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, www.moneycontrol.com साइट में जाएं। और बेटे यहां पे हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके नीचे डायरेक्टर्स रिपोर्ट हैं, आपको रेशियोस कैलकुलेट करके दी हुई हैं, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी को निकालने के अलग अलग बेटे मापदंड है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। बेटे प्रॉफिट अर्न करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को निकालकर यह पता चल जाता है कि इस कंपनी की मार्केट में डिमांड है या नहीं, इस कंपनी की टर्नओवर कितनी है, ये कंपनी की पॉपुलैरिटी कितनी है, इसकी क्वालिटी कितनी है। बेटे आप ये बताइए, एक छोले भटूरे बेचने वाले का प्रॉफिट तभी होगा ना जब उसके छोले भटूरे पुरानी दिल्ली के होंगे, स्वादिष्ट होंगे, मोटे मोटे फूले फूले होंगे, अचार होगा, प्याज होगा, चने होंगे, हरी चटनी भी होगी। तो अगर एक छोले भटूरे वाला प्रॉफिट कमा रहा है तो बेटे मैं ये कह सकता हूं कि वो अपनी फिक्स कॉस्ट को मीट कर सकता है, बिकॉज प्रॉफिट इज अ मार्जिन फॉर इनक्रिंग फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट एक मार्जिन है, प्रॉफिट एक मार्जिन है फॉर इनकरिंग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को इनकर करने के लिए बेटे आप ये बताइए, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एक अलग होती है और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अलग चीज है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या होती है? रोजमर्रा की जिंदगी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को चलाते समय जो पैसे लगते हैं, रेंट, सैलरीज, वेजेस, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट,
प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सब मैंने लिवरेजेस के चैप्टर में कराया हुआ है। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर एक कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है देन दैट लॉस मेकिंग कंपनी कैन नॉट इनकर कैन नॉट फेस द बर्डन ऑफ फिक्स कॉस्ट, बट अ प्रॉफिटेबल कंपनी कैन फेस द बर्डन ऑफ फिक्स कॉस्ट। सो एज अ इन्वेस्टर ऑल इन्वेस्टर्स आर मोटिवेटेड टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी। तो बेटे प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है वो कंपनी सेल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना कमाती है, कमाती है। क्योंकि जो जितना ज्यादा कमाएगा उसका उतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट इनकर होने के बाद ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस के बाद एमपीएस बढ़ेगा। तो मैंने कहा जी प्रॉफिटेबिलिटी एक अलग कंसेप्ट है, प्लीज बेटे मैंने इसके ऊपर 2-3 बातें लिखी है, आप अगर लिखेंगे यकीन मानिए मुझे इतना अच्छा लगेगा कि मैं बता नहीं सकता आपको। लिखिए बेटे, रजिस्टर निकालिए, भले मैंने ये डायग्राम बुक में दिया हुआ है लेकिन आपके ऊपर तो कसम चढ़ी हुई है मेरी, बेटे कसम है अभी तक विद्या माता की कसम चढ़ाई है, अगर ना लिखा तो आज रात को भी नींद नहीं आई, चुड़ैल के और भूतनियों के सपने आएंगे। लिख लो, ढीले मत बैठो, उत्तिष्ठ, लिखो। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी मे नॉट एश्योर लिक्विडिटी। सीएस की स्टडी में प्रैक्टिस मैनुअल में 50 बार मैं कहूंगा ये पिछले अटेम्प्ट से आ चुका है, सीए में, सीएस में, सीएमए में, तीनों में इंपॉर्टेंट है। आइए जी एक बात लिख ले, प्रॉफिटेबिलिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द फर्म, एबिलिटी क्षमता कैपेबिलिटी क्षमता कैपेबिलिटी ऑफ द फर्म टू अर्न कमाई ऑन सेल्स। बेटे प्रॉफिटेबिलिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू अर्न ऑन सेल्स। ये तो भाग 11 क्लास से आपको पता है, फिर मैं क्यों लिखवा रहा हूं, पता है फिर भी क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जब आप लिखोगे तो आधे से ज्यादा बातें आपको और समझ आ जाएंगी और फिर पेपर से पहले रटने की जरूरत नहीं होगी। एक बार पलटोगे जैसे एक्सरे मशीन में जाते हैं, एक सेकंड में एक्सरे मशीन एक्सरे कर देती है, बस आप पलटोगे एक्सरे हो जाएगा और आप पास हो जाओगे, यही तो मैं चाहता हूं। सेकंड पॉइंट लिखें, देयर शुड बी सफिशियंट मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एस देयर इज इंसिडेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। बेटे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दो होती है, फिक्स कॉस्ट तो मीट करनी ही होती है, तो एज देयर इज इंसिडेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इट मींस यू शुड अर्न प्रॉफिट्स। बेटे दो तरह की फिक्स कॉस्ट लिखेंगे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। आगे चलेंगे बेटे, प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी एंड इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव। प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी एंड एक्ट्स एज एन इंसेंटिव एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट रेशियोस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी एंड एक्ट्स एज एन इंसेंटिव एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मुझे पता है, आपको पता है, फिर भी आप लिख रहे हैं क्योंकि आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, मेरे हैं, भूपेश आनंद के. आगे लिखो जी. रोमन फोर, लिक्विडिटी क्या होती है, लिख लेते हैं. लिक्विडिटी पर समझाऊंगा. मैंने अभी कहा आपके पास डायमंड के सेट है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बट डीमोनेटाइजेशन के बाद आप देखें सब लोगों के पास कैश नहीं था. पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, फ्री चार्ज से पेमेंट कर रहे हैं. तो बेटे प्रॉफिट होना अलग बात है, लिक्विड होना अलग बात है. अब आपके पास पैसे क्यों होने चाहिए, सोचने की बात है बेटे. तीन ऑब्जेक्टिव है लिक्विड होने के, ट्रांजैक्टिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव. एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसने कहा पता नहीं क्या बोल गया मास्टर. चलो पहले लिख लो फिर बताऊंगा. लिक्विडिटी इज डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू मीट, एबिलिटी क्षमता, 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 क्षमता टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. शॉर्ट टर्म का मतलब छोटी छोटी करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उनको मीट करना इज नेम्ड एज लिक्विडेशन. लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ एन एंटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट टेस्ट. जैसे किडनी को चेक करने के अलग टेस्ट होते हैं, हार्ट को चेक करने के अलग टेस्ट है, लिवर को चेक करने के अलग टेस्ट है, ऐसे ही किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को निकालने के लिए अलग टेस्ट है. करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी निकाल के डेट इक्विटी. अब बेटे लिक्विडिटी का मतलब है आपके पास कुछ लिक्विड चीजें हो जो झटपट कैश में कन्वर्ट हो जाए, झटपट झटपट झटपट. तो लिक्विडिटी शुड बी देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीटिंग थ्री मोटिव्स. आप सुबह घर से निकलते हो चाय पीते, मेट्रो के पैसे पे करने हैं, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना है, यही है जिंदगी आलिया भट्ट की. बेटे आपको ट्रांजैक्शन के लिए पैसे चाहिए. प्रिकॉशनरी, क्या पता गर्लफ्रेंड मूवी के बीच में पॉपकॉर्न मांग ले, कई बार नहीं भी मांगती. तो बेटे प्रिकॉशनरी आपके पास सेफ्टी पर्पस के भी लिक्विडिटी होनी चाहिए. और क्या पता आप कहीं जा रहे थे, आपको अचानक एक चीज दिखी कि बहुत सस्ती मिल रही है, स्पेकुलेटिव मोटिव. तो बेटे प्लीज लिखो, लिक्विडिटी इज नेसेसरी फॉर थ्री मोटिव्स, ट्रांजेक्टिव, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव. बेटे पूरे नंबर लाने हैं, अभी मैं चित्र भी बनवाऊंगा. बेटे खाली फॉर्मेलिटी थोड़ी दीवानी है कि मैंने 100 लेक्चर ले लिए 5-5 मिनट के. नहीं बेटे, आपने इतने सारे लेक्चर्स देखे, आपको कहीं पे भी फॉर्मेलिटी दिखी? अगर फॉर्मेलिटी होनी होती तो मैं इतने सारे रिकॉर्ड ही करता क्यों, अपलोड ही क्यों करता? बेटे जब करना है कोई काम तो बढ़िया करना है मेरे बेटे. चलिए जी, अब मैं कहने जा रहा हूं कि आपने 7th पॉइंट लिखना है और फिर मैं कुछ बोलूंगा, सुनना है. दोनों की दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, प्रॉफिट का होना भी और लिक्विडिटी का भी होना. लेकिन दुख की बात है, आपस में दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है. जैसे जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु, जैसे शाहिद और करीना कपूर, जैसे सलमान और ऐश्वर्या राय. बेटे आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड है. बेटे पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होती है, बारिश का होना और अम्ब्रेला का बिकना. डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, दोनों बड़े नहीं या दोनों का मुंह नहीं.
बारिश का होना और सनस्क्रीन लोशन का बिकना, या अम्ब्रेला का बिकना और सनस्क्रीन लोशन का बिकना, आपस में दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है। बिल्कुल उसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी भी आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो लिखे बेटे, मैं समझाऊंगा, नेगेटिव कोरिलेशन समझाऊंगा, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों होने चाहिए, हमें दोनों चाहिए। ये दिल मांगे बोथ। आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं कि आप सबको पता है कि डिवेंचर्स के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं एज अ कंपनी के पॉइंट से सोचे, और इंटरेस्ट कैन बी डेबिटेड अंडर सेक्शन 28-44D इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाता है तो मैं कहता हूं टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट कैन बी एंजॉयड। बेटे टैक्स सेविंग इंटरेस्ट के ऊपर एंजॉय करते हैं, इसका मतलब हम जो केडी पे करते हैं बेटे वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये तो बात सबको पता ही है कि डिवेंचर के ऊपर जो हम इंटरेस्ट देते हैं इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फंड एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी देयर इज अ हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। सो बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट सपोजिंगली अ फाइनेंस मैनेजर इज इंक्रीजिंग डोज ऑफ डिवेंचर्स, डोज ऑफ डिवेंचर्स इन डेट इक्विटी मिक्स। एक डेट इक्विटी मिक्स में डिवेंचर्स की वो डोज बढ़ा रहा है कौन? फाइनेंस मैनेजर। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट कम होती है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आप देखें जब डिवेंचर्स बढ़ेंगे तो मेरे बच्चे मेरे लाल डिवेंचर इंटरेस्ट रेगुलर देना पड़ेगा, इट इज अ फिक्स्ड कमिटमेंट। और डिवेंचर इंटरेस्ट देने का मतलब है कि बेटे हमारी लिक्विडिटी कम आ जाएगी, कम आएगी बेटे, बिल्कुल कम आएगी। तो आप बताइए, एक तरफ तो प्रॉफिट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लिक्विडिटी घट रही है, तो है ना नेगेटिव कोरिलेटेड। तराजू के दो पलड़े, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है। तो बेटे आप ये बताइए कि क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट में भी डेटर्स मैनेजमेंट को जो चैप्टर किया था, मैं तो कहता हूं किसी भी चैप्टर में आप प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी का कंसेप्ट देख सकते हो। जैसे मैं आपको कहूं कि जैसे जैसे क्रेडिट सेल्स उधार वाली सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज होंगी बेटे वैसे वैसे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, बिल्कुल बेटे जैसे जैसे इंक्रीज होंगी वैसे वैसे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो ये मैंने प्रॉफिटेबिलिटी का एक कर्व बना दिया। जो समझदार बच्चे होते हैं ना वो बेटे डायग्राम ध्यान से देखते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं, और जो मैं बोलता हूं जो मैं बोलती ध्यान से सुनती, क्योंकि मैं चेन्नई एक्सप्रेस से आती, दीपिका मेरी फ्रेंड होती। अब आप बताइए कि अगर मैं क्रेडिट सेल्स बढ़ाऊंगा तो मुझे पैसे मेरे ब्लॉक ज्यादा हो रहे हैं, जो पैसे आज मिलने थे 2 महीने का क्रेडिट दिया तो 2 महीने के बाद मिलेंगे, तो मेरी लिक्विडिटी पोजीशन पे क्या होगा अगर मैं वाई एक्सिस में लिक्विडिटी भी ले लू। सोचना है बेटे, अगर मैं वाई एक्सिस में लिक्विडिटी भी ले लू, आप बताइए अगर मैं क्रेडिट सेल्स कम करूंगा तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी, तो लिक्विडिटी पोजीशन कुछ इस तरह से आएगी बेटे, जैसे सांप और नेवला। बेटे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन मेरे को यह बताना है
कि एक एंटिटी के लिए जीवन के लिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों ही होने चाहिए. सो दीज आर द टू बेसिक डिसीजन क्राइटेरियाज. आइए बेटे एक बार डायग्राम के रूप में आ जाइए. आइए कहानी आज अभी गाना भी सुनाना है भगवान का सुनाया नहीं. एक्सप्लेन प्रॉफिटेबिलिटी पेज नंबर है बेटे 18 डायग्राम की बुक है बेटे. सब लिख दिया है सब लिख दिया है. एक बच्चा कहता है यार महान है ये टीचर, लिख भी दिया लिखवा भी दिया समझा भी दिया अलग से लेक्चर भी अपलोड कर दिए. नहीं बेटे ये प्यार है, महानता कुछ नहीं है, प्यार है, प्यार है बेटे, प्यार है मेरे बच्चे. लिखो देखो प्रॉफिटेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट पर रुपी. इट रिफ्लेक्ट्स द फर्म्स एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स. प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी एंड सर्च फॉर प्रोवाइडर एज एन इंसेंटिव. नीचे लिखा हुआ बेटे लिक्विडिटी ऑन द अदर हैंड और ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. एंड देर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिक्विडिटी. देखिए देखिए ये देखिए ट्रांजेक्टिव ट्रांजेक्टिव प्रिकॉशनरी स्पेकुलेटिव. बोथ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर नॉट कैन नॉट बी मेट बिकॉज बोथ आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. आप कहें आप पास भी हो जाए और हार्डवर्क भी ना करें. नहीं बेटे ऐसा हो ही नहीं सकता. तो बेटे आप सभी मुझे उम्मीद है कि आप सभी ये करके जाएंगे. मैंने भगवान का एक मेरे से गलती से प्रार्थना का पता नहीं माइंड से उड़ गया बेटे, भावनाओं में खो गया. एक मिनट के लिए सुनेंगे क्लास तभी बंद करेंगे बेटे. एक मिनट के लिए ध्यान से सुन. बेटे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ये वाला शॉर्ट नोट कमेंट करके जाएंगे, फोटो बनाकर आएंगे और बेटे तभी तो नंबर आएंगे 80 प्लस के लिए. आइए कुछ और मेहनत करें, एक स्टेप ज्यादा करना है और लाइफ में आगे बढ़ जाना है. मुझे पता है आप सब होनहार बच्चे हो, मेरे ही तो बच्चे हो, करके जाओगे. मिलते बेटे नेक्स्ट लेक्चर में.